हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश विद दीपक पर आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग कुछ मोटिवेशन करते हैं, यानी मोटिवेशन सेशन करते हैं। मोटिवेशन, मोटिवेशन का मतलब प्रेरणा, मोटिवेशन या इंस्पिरेशन, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें पुश करती है ताकि हम लोग कुछ करें। मोटिवेशन आग की तरह होती है, जैसे आग में अगर हम लोग लकड़ी डालना छोड़ देंगे तो आग बुझ जाएगा, तो उसी तरह हम लोग का मोटिवेशन, अगर हम लोग को लाइफ में मोटिवेशन खत्म हो जाएगा ना, तो मोटिवेशन खत्म होने से हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए हम लोग को बीच बीच में मोटिवेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई किताब के जरिए हो, चाहे किसी का वीडियोस के जरिए हो, चाहे किसी का स्पीच के जरिए हो, चाहे किसी के वर्ड के जरिए हो। सबसे इंपॉर्टेंट है पॉजिटिव वर्ड्स, हमेशा पॉजिटिव सोचिए और पॉजिटिव वर्ड्स का इस्तेमाल कीजिए। चलो इसको समझाने के लिए आपको मैं एक कहानी बताता हूं। एक बार क्या हुआ, एक बंदर और बंदरिया, यानी एक बंदर और बंदरिया एक डाली पर रहते थे। यहां पर मतलब नदी था और नदी के सामने एक पेड़ था, उसमें एक डाली था, बहुत सारा डाली था, उसमें डाली में वो लोग रहता था। तो एक बार क्या हुआ, एक अचानक से एक आदमी आया, और बोला कि जो भी इस नदी में कूदेगा वो इंसान बन जाएगा। अगर बंदर कूदेगी, बंदर कूदेगा तो एक इंसान बन जाएगा, और बंदरिया कूदेगी तो एक ब्यूटीफुल गर्ल बन जाएगी। तो बंदरिया को बात समझ में आया, तो बंदरिया 1 2 3 बोला और कूद गया, 1 2 3 बोला और कूद गया। अब कूदने के बाद जैसे ही वो निकला तो एक ब्यूटीफुल गर्ल बन गया। तो बंदर सोच रहा था, अरे मैं भी कूदता तो बहुत अच्छा होता। फिर बंदरिया ने पूछा बंदर से, भाई क्या हुआ तुम नहीं कूदे? बोला, अगर मैं इंसान नहीं बनता तो? अगर तुम इंसान नहीं बनते फिर भी तो तुम बंदर रहते ना। तो यही बात है, पॉजिटिव वर्ड बोले, हमेशा पॉजिटिव सोचिए। नेगेटिव सिचुएशन हो फिर भी बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव सोचिए और पॉजिटिव सोच के ही आगे बढ़िए। यानी नज़रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार क्या हुआ, एक आदमी बहुत ही ज़बरदस्त स्पीकर था, तो एक इंटरव्यूअर आया, मीडिया वाला आया, उसको पूछा कि आज तुम क्या करने वाले हो, किसका रिकॉर्ड तोड़ने वाला हो? तो उसने बोल दिया कि मैं आज 1 मिनट में 100 वर्ड बोलने वाला हूँ। तो पूरा डिक्लेयर कर दिया, पूरा पब्लिसिटी कर दिया, एडवर्टाइज कर दिया कि ये फलाना आदमी 1 मिनट में 100 वर्ड बोलेगा। सबको एकदम बेसब्री से इंतजार कर रहा है। अचानक से वो नेगेटिव सोच रहा है, मैं अगर नहीं सका तो, लेकिन उसके पॉजिटिव सोचा अगर मैं सक गया तो उसका इंटरव्यू हुआ। पता है क्या हुआ, वो 1 मिनट में 100 वर्ड नहीं बल्कि 500 वर्ड बोला, 500 वर्ड, और पूरी तरह से फेमस हो गया, सब कुछ उसके पास आ गया। तो हमेशा बी पॉजिटिव, हमेशा नेगेटिव मत सोचे कि हम लोग सक्सेस नहीं होंगे तो क्या होगा। एटलीस्ट हम लोग को एक्सपीरियंस तो होगा। हम लोग को एक्सपीरियंस कैसे होता है, जब कोई चीज़ हम लोग करते हैं उससे फेल होते हैं तो उसी एक एक्सपीरियंस होता है, फेलियर एक्सपीरियंस है। और सब कुछ पार्ट ऑफ लाइफ, फेलियर हम लोग का पार्ट ऑफ लाइफ है, प्रॉब्लम्स पार्ट ऑफ लाइफ है। ये सब हम लोग का जो पोटेंशियल होता है ना, उसको चेक करने के लिए आते हैं कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है। बस बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बस अपने आप से कम्पीट कीजिए, बस अपने आप के लिए टाइम निकालिए और थोड़ा सेल्फ टॉक कीजिए। जो भी सेल्फ टॉक करेंगे हमेशा पॉजिटिव सोचिए। देखिए मैं जब अकेला होता हूँ मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि आई एम द ग्रेटेस्ट इंग्लिश टीचर एवर बॉर्न ऑन दिस प्लैनेट। तो ये सोचने से आपके अंदर में एक अलग ही एनर्जी रिलीज होती है जो आपको पुश करती है। तो हमेशा पॉजिटिव वर्ड बोलिए और आगे बढ़ते रहिए, ना भागना है और ना रुकना, बस चलते रहना। जिंदगी बहुत छोटी है और सीखने के लिए बहुत कुछ है। और कभी भी देखिए, जब भी ईगो, कभी भी किसी भी चीज़ का ईगो नहीं होना चाहिए, यानी अहंकार। नहीं, मैं बता रहा, ईगो और कॉन्फिडेंस में क्या अंतर। ईगो का मतलब क्या होता है, मैं ही कर सकता हूँ, तो मैं ही कर सकता हूँ, ये हो गया ईगो। मैं कर सकता हूँ, ये हो गया कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस, सिर्फ कॉन्फिडेंस कहाँ पे, बिल्कुल भी घबराने की कोई बात नहीं और लोगों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आपको जो अच्छा लगता है वही कीजिए, प्यार से कीजिए। जिससे मुझे वीडियो बनाने में बहुत खुशी होती है, तो मैं वीडियोस बना रहा हूँ, तो वही चीज़ कीजिए ना जिससे आपको खुशी मिलती है। बस हमारे साथ बने रहिए और अपना स्पोकन इंग्लिश घर बैठे इंप्रूव कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।